बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सहित कई बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के पैडमैन चैलेंज को स्वीकार कर चुके हैं। ये सारे स्टार सैनिटरी पैड के साथ अपनी अपनी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। वहीं अब इस चैलेंज को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और अदिति राव हैदरी ने भी स्वीकारा है। इन दोनों ने सैनिटरी पैड के साथ अपनी एक एक तस्वीर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर साझा की है। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अक्षय कुमार मुझे टैग करने के लिए धन्यवाद। हाँ, मेरे हाथ में पैड है और इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, ये प्राकृतिक है, पीरियड। वहीं इसी मैसेज के साथ अदिति राव हैदरी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर उनकी पैड के साथ एक तस्वीर साझा की है। बता दें, महिलाओं के पीरियड्स एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर चुप्पी साधने की सलाह ही दी जाती है, लेकिन अक्षय कुमार इस विषय पर एक पूरी फिल्म पैडमैन लेकर आ रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म की प्रमोशन के लिए अक्षय पीरियड्स जैसे विषय का खुलकर बात करने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। वहीं अब अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड के सितारों को पैडमैन चैलेंज भी देना शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि पैडमैन सिनेमाघरों में 9 फरवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को आर बाल्की ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को ट्विंकल खन्ना ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी कोयम्बटूर निवासी अरुणाचलम मुरुगनाथम के बारे में है। उन्होंने पहली बार देश में किफ़ायती कीमत वाले सैनिटरी नैपकिन बनाए थे। ट्विंकल खन्ना ने द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नाम की एक किताब लिखी है जिसमें अरुणाचलम मुरुगनाथम की कहानी बताई गई है। और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।